हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए, जो एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो और एक स्मार्ट वे में आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बुक खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सबके साथ होता है, या आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ है। तो मैं सबसे पहले आपको एक तरीका बताती हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको मैं हर वीडियो में बताई हूँ, ब्लॉग बताई हूँ अपने, कि आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको करना है, डाउनलोड करना है। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको जाना है दृष्टि के वेबसाइट पर, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज सिलेबस, हिंदी में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा और प्लस इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है। आप देख लीजिए कि आपको कौन सा लैंग्वेज आप में देना चाहते हैं एग्जाम, आप उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये होगी दूसरी बात आपकी है कि प्रीवियस ईयर, ठीक है। थर्ड आपका आता है बुक्स। तो मैंने सारे चीज़ पे वीडियो बनाया हुआ है मेरे, आप देख सकते हैं, जाके सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको आराम से। और नहीं मिलेगा तो मैं इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं जाके। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ प्रीवियस ईयर के बारे में, मैं यहाँ बात करने जा रही हूँ। तो मेरे पास जो प्रीवियस ईयर है पीटी के लिए है, ठीक है, पेपर वन और पेपर टू, पेपर वन के लिए है और पेपर टू के लिए है। जैसे कि पेपर टू में आपका सीसेट है, तो पेपर वन में आपका आता है जीएस है, उसके बाद आपका सीसेट है। तो मैं पहले जीएस के बारे में बात करती हूँ। देखिए यहाँ लिखा है पेपर वन, ठीक है, पेपर वन है सामान्य अध्ययन, आईएएस प्री सामान्य अध्ययन पेपर वन, 23 वर्षों का, मतलब जो इसमें मतलब मिला हुआ है 1995 से लेकर 2017 तक का है। अगर आप अभी लेने जाना चाहिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप अपडेटेड लीजिएगा, मतलब आपको कम से कम आपके पास 22 का होना चाहिए, सॉरी 21 का होना चाहिए आपके पास, ये होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 2017 में इसको खरीदा था, तो ये मेरे पास 2017 का है, लेकिन इससे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ तक अगर आपका आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो आगे का है वो आप आराम से नेट से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो ये बुक है अरिहंत की। देखिए सबसे पहले आपको इस बुक को आपको आप खोलिएगा तो इस तरह से आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, भारत का इतिहास एवं प्राचीन राष्ट्र एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और कला एवं संस्कृति। यहाँ पे कहीं भी आपको विश्व इतिहास नहीं लिखा हुआ है, बस इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यही सब स्मार्ट वे होता है पढ़ने का। विश्व, भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ना है आपको, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन पढ़ना है आपको, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें कि आपका आता है फिजिक, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब आता है, फिर जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आएगा, और सामान्य ज्ञान है, जैसे कि कुछ करंट अफेयर आपके इसमें पूछे जाएंगे। तो जो आपका ये सिलेबस है, आपको यहाँ सिलेबस दे दिया है और इसी के बारे में सर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ यहाँ पे आपको मोटिवेशन के लिए यहाँ पे कुछ बताए गए हैं कि आपको कैसे करना चाहिए, कैसे तरीका है पढ़ने का। यहाँ भी सिलेबस आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आपका यहाँ भी सिलेबस मेंशन है, ठीक है। किसी भी चीज़ को इतना टफ मत कर लीजिए कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, नहीं टफ नहीं है, आपके पास सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं, बस आप उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, ये आपकी एक रणनीति अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, 2017 से 2015 तक, मतलब इसको आप उल्टा कीजिए कि कितना क्या पूछा गया क्वेश्चन में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब सारे से आपका है, आपको एक यहाँ क्लू मिल जाता है कि आपको ये सब तैयारी करना है और किससे ज़्यादा क्वेश्चन किया गया है आपको उसी से ज़्यादा पढ़ना है। तो ये तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। फिर यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का भी है, ज्योग्राफी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, मतलब सारा पीटी का सिलेबस इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। देखिए देख सकते हैं, अब मैं यहाँ से निकालती हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा, देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, पहले आपको पढ़ना है अपना बुक, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आप एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, ठीक है। ये एक आइडिया लेने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं कि आपको पीटी के लिए बुक लेना है, तो जाइए आराम से इस बुक को लीजिए, बहुत अच्छा बुक है, मैं इसको अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब आते हैं सी सेट के लिए। तो सी सेट के लिए मेरे पास अरिहंत का ही बुक है, क्योंकि जो अरिहंत का बुक होता है वो बहुत विश्वसनीय होता है। देखिए सारा बुक अच्छा है, डिपेंड ये करता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये है, ठीक है। अब क्या है सी सेट के लिए, पेपर टू के लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग खोलते हैं। अब इसमें भी आपका सिलेबस दिया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है, सारा कुछ दिया हुआ है। मैथ में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ना है, सारा कुछ आपका यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। देखिए ठीक है, देख सकते हैं,
बस यही बुक है। मैं इस वीडियो को आपको इसलिए आप तक इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको इसे बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं चाहती हूँ कि वो आप तक पहुँचे। और बस मुझे यही उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, तभी जाके आपका एक अच्छे से तब बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक को आपको कंप्लीट करना है, पहले बुक आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। देन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है। आपको प्रैक्टिस सेट क्यों दिया जाता है, ताकि आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप बुक पढ़िएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। और अगर सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉरी बुक खरीदने जा रहे हैं, तो आप यही दोनों बुक खरीदिएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी को खरीदिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो आपको लगेगा कि आप बोल रहे हैं तो मैं कैसे खरीदूँ। आप इसको आराम से सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, तो आप सर्च करके किसी भी चीज़ को खरीदिए ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो। तो अब मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी बेनिफिशियल हुआ होगा। कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। तो ऐसे ही और वीडियो आएंगी धीरे धीरे करके। मैं सारे बुक्स के बारे में स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ें नहीं पढ़ें, कौन सा बुक खरीदें नहीं खरीदें, सारा कुछ आपको मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि मैं बताऊँगी, रिव्यू बताऊँगी। तो चलिए मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा।